हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसी स्टेशंस। देसी स्टेशंस इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। रीवा में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं और घूमते हैं रीवा। रीवा मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। बघेल शासकों की राजधानी होने के साथ यह विंध्य क्षेत्र की भी राजधानी रही है। रीवा में स्टे करने के लिए आपको 1,000 से 2,000 के रेंज में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। ये रीवा का रानी तालाब है जो कि मैन मेड है। ये जगह ऐतिहासिक महत्व की जगह है। यहाँ पे 450 साल पुराना सिद्ध शक्ति पीठ है और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य मनोरम है। रानी तालाब को 450 साल पहले लवाना जाति के लोगों ने खोदा था। इस तालाब के बीच में भव्य शिव मंदिर है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के उपहार के स्वरूप में लवाना जाति के लोगों ने इस तालाब को महारानी को भेंट किया था। तब से इस तालाब का नाम रानी तालाब पड़ा। रानी तालाब और कालकाजी मंदिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि ये जगह काफी प्लीजेंट और सुकूनदायक है। विशाल तालाब के ठीक सामने भव्य कालकाजी का मंदिर है। कालकाजी की प्रतिमा के पीछे बहुत पुरानी रोचक कहानी है। कुछ व्यापारी माँ की प्रतिमा लेकर इस रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने विश्राम करने की सोची और नीम के पेड़ के पास माँ की प्रतिमा रख दी। जब वे विश्राम करके उठे तो माता की इस प्रतिमा को वे हिला न सके। जब राजवंशियों को ये पता चला तो उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया। रानी तालाब के दूसरी ओर भैरव जी का मंदिर है। जलाशय में नौका विहार करने और सेंटर के भव्य शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पर बोट्स अवेलेबल हैं। यदि आप नेचर लवर हैं और आपको वाटरफॉल्स देखना पसंद है तो रीवा आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे छोटे बड़े लगभग 8 फॉल्स हैं और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा फॉल भी रीवा में ही है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो रीवा जिले में ही नईगढ़ी तहसील में है। इसे बहुती वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ का नेक्स्ट वाटरफॉल है चचई वाटरफॉल जो कि सिरमौर तहसील में है। चचई वाटरफॉल के बहुत पास में ही और दो बड़े और ब्यूटीफुल फॉल्स हैं। नेक्स्ट वाटरफॉल रीवा का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। ये है क्योंटी वाटरफॉल जो चचई से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप क्योंटी वाटरफॉल विजिट करने आए तो पास में ही आप क्योंटी का फोर्ट देख सकते हैं। रीवा में ही अगला वाटरफॉल है पूर्वा फॉल्स। यहाँ लगभग सारे सीजन में पानी होता है और ये चचई से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप एडवेंचर्स के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे एशिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी है जो कि मुकुंदपुर में है। रीवा में पहला व्हाइट टाइगर मिला था जो रीवा को अपने आप में दूसरी जगह से यूनिक बनाता है। यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर ही मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू है। यहाँ पे ट्रैवलर्स को सफेद बाघ जैसी अनोखी प्रजाति को देखना अपने आप में ही रोमांच से भर देता है। इस टाइगर सफारी का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस टाइगर सफारी में आप गाड़ी के अंदर होंगे और शेर खुले वातावरण में।
रीवा की एक और बहुत बड़ी खासियत है, जो है यहाँ की रियासत। यहाँ की रियासत इसलिए खास है क्योंकि ये कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं हुई। यहाँ पे हिस्टोरिक रीवा का फोर्ट भी है। ये रीवा का शाही फोर्ट है जहाँ पे आज भी राज परिवार के लोग रहते हैं। रीवा फोर्ट के ही एक हिस्से में बघेला म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ पे पुरानी कार, तोपें, अस्त्र शस्त्र और सिंहासन रखा हुआ है। इसकी टिकट 15 रुपए है और अंदर वीडियोग्राफी एंड कैमरास अलाउड नहीं है। रीवा जिले में ही बौद्ध अनुयायियों के लिए एक खास जगह है, जो है देउर कोठार। देउर कोठार में छोटे बड़े 46 स्तूप हैं। ये रीवा प्रयागराज मार्ग पर ही है। ये रीवा का वेंकट भवन है, जहाँ रहस्यमय सुरंगे और म्यूजियम है। यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपए का है। वेंकट भवन के पास ही शाम में आप कोटी कंपाउंड में साईं मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और चौपाटी का मजा ले सकते हैं। ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हुए रीवा का सफर एक बार जरूर करें। ये आपको अविस्मरणीय यादें दे जाएगा। आई होप कि आपको रीवा व्लॉग का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल देसी स्टेशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते रहते हैं।